Hello students, welcome to Locking Room. Today we continue our chapter the solid state. In previous lecture we study the packing efficiency of solid. Now we do some numericals based on packing efficiency. So our first question is aluminium crystallizes in a CCP structure. That means aluminium jo hai wo CCP structure mein crystallize ho raha hai and its metallic radius is 125 picometer और उसका जो metallic radius है वो 125 picometer है. That means जो आपका atomic radius है वो आपका दे रखा है given आपको 125 picometer and हमें arrangement क्या दे रखा है CCP और आप एक बात जानते हैं CCP का मतलब क्या था. CCP का मतलब था FCC arrangement यानी face centered cubic closed packing या CCP का full form cubic closed packing. ठीक है बेटा, तो अब FCC है और FCC में क्या formula होता है हमारा radius का. Radius is equals to root 2 a by 4 और अब यहाँ पर हमें main क्या निकालना है, हमें what is the length of side of unit cell. That means हमें a find करना है. तो हम a find करने के लिए क्या करेंगे, a is equals to 4r by root 2. अब 4 आपको given है, r का value कितनी given है आपको 125 picometer. picometer का मतलब 10 की power minus 12 meter. Okay? And then root 2 की value कितनी होती है, root 2 की value होती है 1.414. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा मेन 353.5 इनटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर आंसर. यानी जो आपकी एज लेंथ है वो कितनी आएगी 353.5 इनटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर. दैट मींस 353.5 पिकोमीटर. और सेकंड पार्ट है हमारा हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cm³ of aluminium. यानी 1 cm³ of aluminium में हमारी कितनी unit cells होंगी. तो सबसे पहले 1 cm³, that means volume. यानी यहाँ पे volume से related कुछ होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब सबसे पहले हम volume निकाल लेते हैं हमारे unit cell का. तो हम लिखेंगे volume of unit cell और volume of unit cell क्या होता है a cube. That means आपको जो आपकी एज लेंथ है उसका क्यूब करना है. लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको 1 cm³ में दिया है, यानी आपको एज लेंथ को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में. और जब आप 353.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 353.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. ओके, बहुत ही इजी था. और जब हम इसका क्यूब कर रहे हैं तो इसका क्यूब करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4.42 इंटू 10 की पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब. अब यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया है और यहां पे आपको क्या बोला है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cm³ ऑफ एल्युमिनियम. तो टोटल वॉल्यूम इतना है तो फॉर 1 cm क्या होगा, फॉर 1 cm³ वॉल्यूम होगा आपका 1/4.42 इंटू 10 की पावर माइनस 23. और जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 22 यूनिट सेल ओके. तो इस तरह से हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको दिख रहा होगा. सबसे पहले हमने रेडियस हमें गिवन था, सीसीपी स्ट्रक्चर दे रखा था, इसका मतलब रेडियस का फॉर्मूला पता था. यहां से हमने एज लेंथ निकाली और उसके बाद फिर हमने वॉल्यूम निकालने के लिए एज लेंथ का क्यूब किया फॉर 1 cm³ के लिए. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ मेटल क्रिस्टलाइजेस विद अ एफसीसी लैटिस. ठीक है, यानी एक मेटल है जो क्रिस्टलाइजेस है इसमें एफसीसी लैटिस में. The edge of the unit cell is 408 picometer. यानी जो unit cell है उसकी edge length कितनी है हमारी 408 picometer. यानी
एच लेंथ हमारी यानी ए हमारा गिवन है 408 पिको मीटर, दैट मींस 408 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या पूछा गया है, द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज, दैट मींस जो मेटल एटम है उसका डायमीटर क्या है। तो डायमीटर के लिए सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, और हमारा रेडियस के लिए एफसीसी के लिए हमें फॉर्मूला फिर से याद है, जो हमारा रेडियस का फॉर्मूला था, रेडियस इज इक्वल टू रूट टू ए बाय फोर, ओके। तो यहां से रेडियस फाइंड करेंगे, रूट टू की वैल्यू 1.414, ए की वैल्यू आपको गिवन है 408 और अपॉन 4, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144 पिको मीटर, ओके। जब आपके पास रेडियस आ गया है तो आप डायमीटर के लिए आप क्या करेंगे, डायमीटर निकालने के लिए, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो इसका मतलब डायमीटर डायमीटर इज इक्वल टू 2r, नाउ 2 इंटू 144 पिकोमीटर को जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 288 पिकोमीटर आंसर। तो अभी आ गया है आपका 288 पिकोमीटर आंसर डायमीटर, ठीक है। बहुत इजी था, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, ये बोर्ड और कंपटीशन दोनों में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं इस टाइप के ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर, इसका मतलब जो हमारा लिथियम मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर यानी बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड क्रिस्टल, है ना, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351 पिकोमीटर, यानी आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ का मतलब साइड का यानी एज लेंथ, दैट मींस ए इज इक्वल टू 351 पिकोमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, एटॉमिक रेडियस बताना है आपका लिथियम का, तो फिर से अगर मैं बीसीसी के लिए रेडियस की बात करूं तो उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है रूट 3 ए बाय 4, ये सारे फॉर्मूले हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी में पढ़ चुके हैं, याद रखिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्ट है, अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बता रहा हूँ इसीलिए कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पिछली साल ही नीट में इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होगा। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था सेम इसी टॉपिक से और इसी टाइप का, ठीक है, तो एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, याद रखिए, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू रूट 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 351 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, और अगर मैं बात करता हूं आपका 4 तो अपॉन 4, अच्छा रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 इंटू 351 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 4, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 151.8 पिको मीटर, ठीक है। आसान था, इजिली हो जाएंगे क्वेश्चंस, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको एक्यूरेसी रखनी है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए तभी आप इनका आंसर लेके आ पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैकिंग एफिशिएंसी खत्म होता है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।